हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक नए टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, ब्लॉगिंग पे। बहुत लोगों ने पूछा जब मैंने अपने ब्लॉग का लिंक हर किसी को डाला, तो लास्ट 25 जनवरी 2018 को मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, और 1800 व्यूज उस पर चले गए हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा, मतलब कुछ लोगों को कंटेंट अच्छा लगा तो पूछा ये क्या होता है, कैसे होता है, मतलब सारा कुछ बताइए। तो मैं पूरी सीरीज़ चलाने वाला हूँ, उसे कैसे बनाते हैं ब्लॉगिंग, उस पर पोस्ट कैसे डालते हैं, उस पर कैसे पैसे कमा सकते हैं, उस पर जो कुछ पेजेस होते हैं कैसे बना सकते हैं, जो भी पेजेस होते हैं मैंने सारा बना रखा है। अब मैं आपको अपने ब्लॉग का लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो में, आप प्लीज़ उसे ओपन कर लीजिएगा। जो फर्स्ट थिंग आज मैं बताने वाला हूँ, जो पहली चीज़ पर बात करने वाला हूँ, वो है कि सबसे पहले ब्लॉग कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं फ़ोन पर बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल है। तो इस पर बनाइए या फिर उस पर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट जो भी यूज़र्स ने पूछा है, उनकी ज़्यादा मैक्सिमम जो लोग यूज़ करते हैं फ़ोन ही यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैं फ़ोन पे ही बता रहा हूँ। कोई भी एक ब्राउज़र आप चूज़ कर लीजिए, जैसे कि मैंने क्रोम बीटा वर्जन चूज़ किया है। ये मेरा ऑलरेडी एक ब्लॉग मेरा बना हुआ है, वो मैं इस पर जाके आप ब्लॉगर सर्च कर लीजिए। ब्लॉगर मतलब गूगल का ब्लॉग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ब्लॉगर आप एक गूगल से बनता है, जो blogspot.com है। दूसरा जो वर्डप्रेस से लोग बनाते हैं वो है, मैं जो चला रहा था और मैं उसी की बात करने वाला हूँ। क्योंकि ब्लॉगस्पॉट में बात करूँ तो आप फ्री का चला सकते हैं, फ्री एक भी बिना पैसे लगाए हुए आप अर्निंग कर सकते हैं। बट अगर उसकी बात करूँ, वर्डप्रेस की बात करूँ, तो वहाँ पे आपको शुरू से ही पैसे लगाने होंगे। आपको डोमेन नेम ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा ब्लॉग है, इस पर 33 पोस्ट्स मैंने अभी तक डाल रखे हैं। ये सारा कुछ देख लीजिएगा, पेज व्यू है इधर सारा का सारा। न्यू ब्लॉग कैसे बना, ये जो मेरा नाम यहाँ पे दिख रहा है, कैप्टन संतोष कुमार, इस पर ऐसे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जो न्यू ऑप्शन का है वो अगर आपने नहीं बना रखा है तो डायरेक्ट आपको blogspot.com अगर सर्च कीजिएगा तो वो न्यू ब्लॉग का ही ऑप्शन आएगा, क्रिएट योर न्यू ब्लॉग उस तरह का। तो टाइटल में मैं डाल देता हूँ, एक्चुअली ये मेरा है नहीं, मेरे फ्रेंड का है, तो मैं वो बनाना चाह रहा है कंप्यूटर किंग के नाम से। वो कंप्यूटर से रिलेटेड सारी बातें इसे बताएगा, शुरू करेगा वो इंट्रोडक्शन, और सबसे पहला कोर्स वो जो डालेगा वो DCA ADCA टैली से रिलेटेड रहेंगे। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर किंग मैं नाम ले लेता हूँ। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स ने कंप्यूटर किंग इसका नाम रखा है, क्यों रखा है, उसने मुझसे पूछ के ही रखा, मतलब कि मैं ये रखूं या नहीं रखूं, तो मैंने कहा हाँ चलो रख लो। फ्रेंड्स, दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप अपने नाम से बना सकते हो ब्लॉग, दूसरा होता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से बनाओ, किसी एक पर्टिकुलर नीच के नाम से, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के नाम पे आप बनाओ। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपकी रैंकिंग जो होगी वो बड़ा जल्दी गूगल पे आ जाएगा, गूगल या फिर दूसरे जो भी सर्च इंजन्स हैं वो आ जाएगा। कैसे, क्योंकि आपका जो रहेगा ब्लॉग वो किसी एक पार्टिकुलर नीच पे रहेगा, लोग उसे ज़्यादा सर्च करेंगे। और अगर आप अपने नाम से बना रहे हो तो फिर वो भी सही है, वो जैसे कि मैं अभी कोई भी चीज़ बना रहा हूँ, या फिर गूगल हो, गूगल पे यूट्यूब हो, या फिर गूगल पे ब्लॉग हो, दोनों मैंने अपने नाम से बनाया है, कैप्टन संतोष कुमार और संतोष की खोज से। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि इसमें यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना सकते हो, डिफरेंट प्लेलिस्ट बना सकते हो, और ब्लॉग में डिफरेंट पेज बना सकते हो। मेरा अगर ब्लॉग देखिएगा तो डिफरेंट पेज मैंने बना के रखे हैं, सारा कुछ अलग अलग। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा कुछ अलग अलग एक ही जगह पे ला सकूँ, बाद में अगर मुझे कुछ करना हो तो मैं अपग्रेड करके उसे रिस्टोर कर सकता हूँ, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आप एक टॉपिक पे आपके पास पूरा कंटेंट है, जैसे कंप्यूटर किंग जिसने कंप्यूटर से रिलेटेड बनाया है, आप किसी दूसरे चीज़ से बना सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बना सकते हैं, या फिर कोई राइटिंग से रिलेटेड बना सकते हैं, और भी कोई चीज़। तो फ्रेंड्स, सेकंड, एड्रेस में क्या डालना है, एड्रेस में मतलब ये एक तरह से समझ लीजिए कि डोमेन है। डोमेन के अलावा, डोमेन तो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं अभी, सब डोमेन आपको मिलेगा किसके साइड से, गूगल के साइड से। तो जो भी आप यहाँ पर नाम डालिएगा उसका सब डोमेन अगर गूगल ब्लॉगस्पॉट पे अवेलेबल है तो वो दे देगा आपको। चलिए कंप्यूटर किंग ही मैं डालता हूँ, कंप्यूटर, हाँ। इसमें आप स्पेस नहीं ले सकते हो, इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। कंप्यूटर किंग शायद अवेलेबल हो,
सॉरी ये तो अवेलेबल है ही नहीं, ये इससे पहले किसी ने बना रखा है, तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ। कंप्यूटर्स किंग कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं ये है या नहीं है। कंप्यूटर्स किंग ये भी नहीं है। और फ्रेंड्स ये मैंने पहले जैसा बताया कि आपको ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिल ही जाए, तो मेरे को अब दूसरा कुछ करना पड़ेगा। कंप्यूटर स्किल्स कर लेता हूँ, computerskills.com। ओह ये भी नहीं है। अभी कंप्यूटर एक मिनट में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे मी कंप्यूटर किंग तीसरा चूज किया, सॉरी मैंने पॉज करके किया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कौन सा मतलब यहाँ पे अवेलेबल है जो सब डोमेन दे रहा है गूगल अपने को, गूगल ब्लॉग स्पॉट, तो मेरे को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था। तो मी कंप्यूटर किंग अवेलेबल है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर किंग ही है ना। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दूँ कि कंप्यूटर किंग रहे या कंप्यूटर्स किंग रहे या फिर कुछ भी रहे आपके नाम का रहे, आप कभी भी इस नाम को चेंज कर सकते हो। ध्यान रहे कि अगर आप जब डोमेन ख़रीद रहे हो तो डोमेन में आपको ध्यान रखना होता है कि आप डोमेन किस टाइप का ख़रीद रहे हैं, क्योंकि डोमेन एक बार जो हो गया तो हो गया, उसे आप .com से दूसरे में बदल सकते हैं, .in में बदल सकते हैं, .org वगैरह वगैरह में बदल सकते हैं, बट जो डोमेन मेन रहेगा वो वही रहेगा। यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा बट उधर चेंज नहीं होगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आती है फ्रेंड्स वो थीम चूज़ करने की, इसमें बहुत सारे थीम्स आते हैं, आप कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हो। एक मिनट मैं चेक कर लूँ। हाँ दूसरी चीज़ एक और, अगर आपने डेस्कटॉप वर्जन नहीं किया है तो डेस्कटॉप साइट भी आप कर सकते हो, उससे शायद कुछ एक थीम्स यहाँ पे ज़्यादा शो करने लगे। फ्रेंड्स मैं सजेस्ट आपको करूँगा कि आप सिंपल वाला, ये जो सिंपल यहाँ पे शो कर रहा है ये वाला चूज़ करें, ताकि इसमें मतलब थोड़ा क्लियर होता है। अगर आप नए हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। वैसे आप जो चाहो वो चूज़ कर सकते हो, डिज़ाइन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है। तो मैंने तो सबसे पहले ये वाला चूज़ किया था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो बट मैंने खुद भी कल इसे ही ये कर लिया है क्योंकि व्यूअर्स को भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी मेरे सर्कल में ही। देखिए एक चीज़ मैं और बता दूँ कि आप कोई भी नीच चूज़ कर रहे हो तो एक चूज़ ये बात ध्यान रखो कि आपका सर्कल जो है मतलब आपका सर्कल कितना ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को, क्योंकि पहली जो हम शुरू करते हैं पहले दौर में हमें अपने सर्कल वालों से ही सपोर्ट मिल पाता है। तो उनको प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने भी सिंपल वाले में ही कर लिया, तो मैं अब ये हेल्पफुल भी है दूसरे लोगों के लिए। अब क्रिएट ब्लॉक करते हैं, बस इतना ही था। अब आपका बन चुका है मेरा ब्लॉग, दैट्स इट। देखिए यहाँ पे जो मेरा नाम शो कर रहा था, नहीं अभी ये मेरे को बोल रहा है कि आप इसी नाम से क्या आप डोमेन लेना चाहोगे, फाइंड द डोमेन नेम फॉर योर ब्लॉग एंड कनेक्ट इट इंस्टेंटली, बट अभी मेरे को नहीं चाहिए तो नो थैंक्स। अभी इधर कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। आप कहेंगे कि एक ही ब्लॉग को तो आप बार बार नहीं दिखा रहे हो, तो वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया, कैप्टन संतोष कुमार मेरा दिखा रहा है, कैप्टन संतोष कुमार JNV, तो उसके सारे ब्लॉग्स इधर पे हैं। ये देखिए जो भी ब्लॉग्स हैं मेरे 33 के 33, वो सारा का सारा इधर शो कर रहा है। जो भी व्यूज़ थे पहले भी वो भी सारा का सारा शो कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ऐसे ही डाल दिया है। फ्रेंड्स तो मैंने ब्लॉग आज बता दिया, आज ही मैं बताने वाला हूँ, मैं वीडियो पब्लिश कर देता हूँ अभी ही, वो 9:30 आज शाम के 9:30 कैसे ब्लॉग पोस्ट डालते हैं, यहाँ पे जो न्यू पोस्ट का ऑप्शन दिखा रहा है वो कैसे डालते हैं पोस्ट, वो मैं बताने वाला हूँ क्योंकि ये वीडियो बड़ा ही हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए इस चैनल पे, बने रहिए मेरे चैनल पे, क्योंकि पूरी जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताई थी YouTube से रिलेटेड जितना हो सका
अभी मैं और बनाने वाला हूँ, मैं डेली कंटिन्यू बनाते जा रहा हूँ कुछ ना कुछ वीडियो। तो ब्लॉग पे भी मैं जीरो लेवल से आज मैंने शुरू किया और पूरा फिनिश करूँगा। यहाँ पे जितना भी दिख रहा है ना, जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी हो, सेटिंग हो, थीम हो, लेआउट हो, पेज हो, कैंपियन हो, अर्निंग हो, कमेंट हो, स्टेट हो, पोस्ट हो, सारी की सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको पहले से आप ब्लॉग को यूज़ कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ 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 उसे कमेंट करें। और फ्रेंड्स, मैं कहूँगा शेयर और लाइक कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट लाइक तो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, बट सब्सक्राइब करना शायद आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। थैंक्स फ्रेंड्स, बाय बाय।